बिग बॉस 17 के विनर पर गाइस एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद भैया आप फिर से भड़कने वाले हैं जिया। और इस चीज़ को सुनकर ना देखकर जनता है वो बिग बॉस पर भड़क चुकी है, कलर्स टीवी पर भड़क चुकी है और खरी खोटी सुनाती हुई आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है जिया। क्या है अपडेट आपको बताता हूँ। वैसे यार इतनी सारी ऐसी अब चीज़ें आ रही हैं, ऐसी चल रही हैं, जिसे सुनकर मेरा तो कल से दिमाग ही खराब है, क्योंकि जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट है ना वो मुनव्वर और अभिषेक है। इनके अलावा भाई कोई और विनर बना तो मैं तो कल से इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो गया ना, जब से ये चीज़ें आ रही हैं निकल के दिमाग ख़राब हो रहा है। अब देखो एक और चीज़ कर दी है इन लोगों ने, अब से 5 घंटे पहले इन्होंने एक ऐसी चीज़ शुरू की जिसे देखकर जनता है वो सोचने लगी कि भैया अब लोग ये इसको ही विनर बनाने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊँ तो कलर्स टीवी ने अपने ट्विटर पर एक पोल डाला। पोल में उन्होंने क्या लिखा, व्हाट आर द चांसेस ऑफ अंकिता लोखंडे विनिंग BB17। अब ये क्वेश्चन मार्क डाल के वो भैया पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि अंकिता लोखंडे के कितने चांसेस हैं विनर बनने के। 3 ऑप्शन भी इन्होंने रख दिए। पहला ऑप्शन रखा कि 5% चांस है, दूसरा रखा कि 50%, तीसरा रखा कि 99%। ऐसे में गाइज मैं आपको बताऊं तो जो पोल में रिजल्ट निकल के सामने आया है वो भैया 99% को ज़्यादा वोट मिले हैं। जी हाँ, करीब 50,000 वोट आए हैं, जिसमें 99% है वो सबसे ज़्यादा जिसे वोट मिले हैं कि 99% चांसेस है कि अंकिता लोखंडे विनर बनेगी। अब भैया फिनाले से 2 दिन पहले ये ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, मतलब कल जो आपने देखा था कि जो जर्नी दिखाई गई थी, काफ़ी लोग बोल रहे कि यार आप अंकिता के खिलाफ हो, खिलाफ नहीं है। आपको खुद पता होगा अगर आपने ध्यान से जर्नी देखी होगी, आप बायसनेस थोड़ा हटाकर देखी है कि अंकिता लोखंडे ने विकी के लिए भी काफ़ी चीज़ें बोली थी, विकी को भी काफ़ी अगर उसने ऐसा फील करवाया था, है ना, वो जेलिस फील उसने किया था अंकिता लोखंडे ने, तो वो सब दिखाया ही नहीं गया। मुझे देते आप पूरे एपिसोड, मैं दिखाता कैसे कहां पर अंकिता लोखंडे ने खराब चीज़ें की है, मैं आपको निकाल के देता एक एक चीज़। तो यहां पर ये फेवर में गए हैं अंकिता लोखंडे के, और विकी को नेगेटिव दिखाकर इन्होंने अंकिता को महान बनाया। ऐसा लगा कि भैया ये पूरा पासा है अंकिता लोखंडे की तरफ बदले हैं, जिस तरह से बिग बॉस बोल रहे कि मैं बायसनेस दिखाऊंगा, वैसे ही बायसनेस अंकिता के लिए दिखाई गई और अंकिता को जर्नी में अच्छा दिखाया गया। तो अब जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं ये ऐसी चीजें करते जा रहे हैं और ये अंकिता लोखंडे की तरफ पूरा पासा है वो पलटते जा रहे हैं। यहाँ पर ये पोल कराने का मतलब ही क्या है, सबका कराते हुए फिर तो अच्छा लगता है, यहाँ पर सिर्फ अंकिता का कराया गया ताकि, और अंकिता को वोट भी अच्छे इसमें मिले हैं कि 99% चांसेस है अंकिता विनर बनेगी, ताकि जब वो विनर बनेगी तो ये पोल दिखा सके कि देखो हर जगह अंकिता को वोट आ रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये वोटिंग के आधार पर विनर बनाने वाले हैं। वोटिंग के आधार पर अभी भी मुनव्वर आगे चल रहा है, अभिषेक 2 नंबर पे है, अंकिता 4 नंबर पे है, मनारा 3 पे है, अंकिता नंबर 4 पे है, फिर भी उसको विनर बनाना है तो भैया क्या बोलेंगे फिर, है ना। बाकी आप वोट करते रहो गाइस, वोटिंग नहीं छोड़नी, वोटिंग नहीं रुकनी चाहिए, करते रहो एंड तक, जो होगा देखा जाएगा, जिसको बनाएंगे बना देंगे, लेकिन फिलहाल आप वोटिंग करते रहो, ठीक है। क्या बोलोगे लिख डालिए, और इसके साथ गाइस आप इंस्टा पे आ जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर लगातार हम आपको BB17 की हर एक अपडेट दे रहे हैं और आपसे पर्सनल बातचीत भी कर रहे हैं। आ जाइए जल्दी से।